बाहर दुनिया, मनीष कश्यप दिख रहा है जो जिंदा है, और जो मर गई वो नहीं दिख रहा है। कि जो मर गया उसका कोई चिंता नहीं है, जो जिंदा है उसकी बहुत ज्यादा चिंता है। बाहर दुनिया, मनीष कश्यप दिख रहा है जो जिंदा है, और जो मर गई वो नहीं दिख रहा है। उनके साथ हत्या हुआ है, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। वार है हमारी भोजपुरी, बहुत आज गंदा फील हो रहा है मुझे, कसम से। नहीं, ये चीज मुझे महसूस हो गया साला। और ना हॉस्पिटल वाले के एम्बुलेंस तक नहीं बुलाए। अरे यार, वो नाम की मोहताज थी। अभी फैन मत बनिए, अभी अगर किसी का साथ देना है ना तो आकांक्षा दुबे जी की माँ का साथ दीजिए, ताकि बेचारी के पापा पहले से नहीं थे, ना भाई था ना बहन था, बेचारी की वजह से घर चलता था और आज वही नहीं रहे। मेरा साथ मत दीजिए, मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मैं हूँ, मैं आप लोगों के एनी टाइम हूँ। आप लोग अभी उनके माँ का साथ दीजिए, जो कि 9 महीना कुख में रख के जन्म दे करके पोस पाल के बड़ा की, और आज उनकी माँ एक जवान बेटी को आग दे रही है, एक जवान बेटी के अर्थी को कंधा दे रही है। आप उनके साथ दीजिए, बस इतना ही कहेंगे ना, हाथ जोड़ के, कि जितने भी कलाकार हैं, अरे उन कलाकारों को तो सर माने चाहिए, थू है उन कलाकारों पे जिनके साथ वो काम किए हैं और वो अर्थी तक को देखने नहीं गए हैं। यही हमारे कोई नेता और पॉलिटिशियन मर जाए अभी तो रोड जाम कर देंगे ये लोग, ये लोग ऐसे इंसान है। चलिए, वाह हमारी भोजपुरी बहुत अच्छा है, बहुत गर्व से कह सकते हैं हम कि हम इस भोजपुरी के रहते हैं, खाते हैं, हमारे इस भोजपुरी में रहते हैं। अरे सर माना चाहिए जो ये कहते हैं कि मैं कलाकार हूँ, सर माना चाहिए जो कहते हैं हम बहुत बड़े मॉडल हैं। बनारस में ढूंढू, मैं ढूंढू, नाम लूंगी तो नीचे से भर ऊपर ले झरक जाएगा। बनारस में सिंगर नहीं है, ढूंढ के दिखाऊं, 50 से अभव सिंगर होंगे, 100 से अभव मॉडल होंगी। फोन करके कहती हैं, आंटी जी अगर आप अर्थी को जला देंगी ना, दबा आपके केस को दबा दिया जाएगा। अरे वाह, अरे वाह, गजब गजब, तुम लोगों का जवाब नहीं है। अरे यही बात की तो अफसोस है शेर, यही बात की अफसोस है। चलिए, कुछ कहने की हैसियत और औकात तो मेरी नहीं है, मैं कितनी भी हूं तो आप लोगों से छोटी हूं, और मैं छोटी बन के रहना चाहती हूं, लेकिन हक के लिए लड़ना मैंने सीखा है। आकांक्षा दुबे जी आप रही नहीं, नहीं तो आपको मैं सिखाती कि लड़ा कैसे जाते हैं। मरना हर एक चीज का सोल्यूशन नहीं होता, मुंह पे जोरदार तमाशा देना ना सबसे बड़ा चीज होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और जानते हैं हमारे भोजपुरी के लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि आकांक्षा दुबे कास्ट की ब्राह्मण थे, ठीक है, और हमारे भोजपुरी में चलता है जातिवाद। अभी हमारे कोई नेता या हमारे कोई पॉलिटिशियन मर जाए ना तो रोड जाम कर दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट सॉन्ग पवन भैया के साथ था। और एक बात, जहां तक सुन रहे हैं ना कि समर सिंह कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ काम करो, इसके अलावा किसी के साथ, भाई बड़ा तू पवन सिंह है, भाई बड़ा तू पवन सिंह कि तारा अलावा क्यों काम ना करी क्यों के संग है। भोजपुरी के बहुत बड़ा कलाकार भाई बड़ा तू, क्योंकि कोख उजाड़ दला, क्योंकि घर परिवार उजाड़ दला, बहुत बढ़िया काम कर ला तू। हाँ, समर सिंह बोला है। हाँ, अरे पवन सिंह भी अगर डिंपल सिंह को ना दूसरे के साथ काम करने देते हैं, देखिएगा जीजा तार रंग मरचाई लेखा लागे। और भी बहुत सारा ऐसा गाना है जो डिंपल सिंह जी की है। पवन सिंह बनजीब, ये जन्म में पवन सिंह बनजीब, अपने आप पवन सिंह बुझे लगा। हमरा के कुछ पत्रकारन के धई के रेल लेवे थी, ये लोग रात से मुझे परेशान किए हुए हैं। चलिए, आज मैं मानती हूं ना कि हर कलाकार अपने आप को पवन सिंह, समर सिंह को दबंद हो गया था, घमंड हो गया था। नहीं, उन्होंने कहा है कि तुम मेरे अलावा किसी के साथ काम मत करो, काम करवा के उस बेचारी को पैसा नहीं देते थे। अरे यार, उसका घर परिवार कैसे चलेगा जब उसके पिताजी नहीं है, तो उसको कोई भाई नहीं है, तो वो अपना घर का बोझ चलाती थी, वो अपने घर का भार उठाती थी, उसका घर कैसे चलता।
दूसरे के साथ आप काम करने नहीं देते थे, अरे अपने साथ काम करवाते, दूसरे के साथ काम करने भी देते ताकि उसका घर परिवार चल सके। क्या कर लिए, उसकी जवान माँ को बेघर कर दिए, कौन कमा के खिलाएगा? खिलाएंगे समर सिंह, जिंदगी भर उठाएंगे उसका बोझ नहीं ना। अरे थू भाई बड़ा पवन सिंह, ए जन्म में पवन सिंह तो नहीं बन पाई बा, ठीक बा, ए जन्म में पवन सिंह ना बन पाई बा, इतना याद रखिया। लड़की के कमाई जल्दी ना खाए के चाहिए, लड़की के कमाई जल्दी ना खाए के चाहिए, ठीक बा। और ये दोगलन कुल के वजह से ना हमारे के प्यार से पता ना काहे नफरत होकेला, ये दोगलन कुल के वजह से प्यार से हम 100 गुना दूर बनी, हमारे के ना चाहिए ऐसा प्यार यार। साला आप सबने पोस्ट किया है, बहुत दुख हुआ, तनिको कोई नेता और पॉलिटिशियन मर जाता तो, तनिको कोई नेता और पॉलिटिशियन मर जाता तो ये लोग रोड को जाम कर देते यार। वो कलाकार नहीं थी क्या? उन्होंने किसी के साथ काम नहीं किया था? अरे सर माना चाहिए ऐसे से कलाकार को यार, सर माना चाहिए। थू ऐसे भोजपुरी के कलाकारों पे जिनके साथ वो काम की है और जो नहीं गया। अब आके गरीबो करबन हमारा के तो कोनो दिक्कत नहीं है हमारा के, क्योंकि आप लोग वो इंसान है ना जो कि हमेशा सच को दबाते हैं। और कुछ लड़कियों के लिए ये न्यूज है मेरा, बहुत ध्यान से सुनना बाबू, ये दुनिया में हवसी और मतलबी लोग भरे हुए हैं, जिसका दिल और दिमाग हवस और लालच से भर जाए ना उसको रोड पर की कुतिया भी पसंद आ जाएगी, ठीक है। बाद बाकी ज्यादा बोले हो तो महादेव, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी बातों से तकलीफ हो रहा होगा। मेरे अंदर इतना अब नफरत भर चुका है ना इस चीज को लेके कि मैं अब दुनिया के अच्छे भी आदमी आकर के अगर मेरे सामने कहे ना मैं उनको भी गाली दूंगी। अब सेड़ी नशेड़ी सब आपके ही भोजपुरी में है। राज उपाध्याय जी एक मिनट सर, आपके बाप का पीती थी कि आपका पीती थी? आपने पिलाया था, आपने पीते देखा था? तो आप किसी के ऊपर, किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाने वाले कौन? कोई नहीं। अगर मान लिया जाए वो पीती थी जी, आप कुछ सब कुछ सही बोल रही हैं, कुछ गलत नहीं है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, मतलब ये मतलब रखता है, नहीं होना चाहिए ऐसा। आपके साथ आवाज उठाई। अरे यार उस लड़की को न्याय दिलवाइए, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम। और अरे ऐसी बहुत सारी लड़कियां मरी हैं यार, कुछ तो दहेज को लेके मारा जाता है, कुछ को रेप करके मारा जाता है। दुनिया मनीष कश्यप दिख रहा है जो जिंदा है, और जो मर गई वो नहीं दिख रहा है। वाह हमारे भोजपुरी के श्रोतागण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और मैं तान्या झा जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी कि जो मर गया उसका कोई चिंता नहीं है, जो जिंदा है उसकी बहुत ज्यादा चिंता है। सबके ऊपर नमस्ते प्रणाम। आज से हमारा के कोनो से कोनो मतलब नहीं है, बहुत बढ़िया राजनीति बा, और भगवान करे कि वो लोग बहुत आगे जाए भविष्य में। पहली बात, एक बात और, हमारा के 100 आदमी में 80 आदमी प्यार करता, 20 आदमी हमारा गरियावता, तब 20 आदमी मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरे लिए वो 80 आदमी जरूरी है जो मुझे प्यार करता है। और उत्कर्ष जी आप भी उसे 20 आदमी में आते हैं, मुझे आपके कमेंट का रिप्लाई देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सबके मुंह नहीं लगते हैं। ओके आई एम गुड बेस्ट एंड बेटर, आप मेरे घर का खर्च नहीं चलाते हैं, ठीक है। तो कोई मेरा उपाय करे, किसी की माँ इतनी दूध नहीं पिलाई है अपने छाती से ना, कोई हमको उंगली कर दे। बाद बाकी तार में कैपेसिटी बता, तू आ जाइया, ठीक बा, हम अभी अपना औकात पावे की बात नहीं करत। उस 20 आदमी के लिए तान्या झा कभी पोस्ट नहीं करेगी कि तुम मुझे गाली क्यों देते हो, उस 80 आदमी को थैंक यू जो मुझे प्यार देते हैं। और